देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2। क्या कर रहे हैं हम? 6.2 का आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है? संलग्न आकृति में, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई हुई है, संलग्न आकृति में मतलब कि इस आकृति में यदि, इस आकृति में यदि एल एम समांतर है सी वी के, कौन एल एम, एल एम मतलब ये वाली रेखा, एल एम किसके समांतर है? सी डी किसके समांतर है? सी वी, सी वी के क्या है? समांतर है। एल एम रेखा ये वाली रेखा और सी वी रेखा मतलब जे वाली रेखा, ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखा कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। तथा एल एन रेखा सी डी रेखा के समांतर है। कौन सी रेखा? एल एन रेखा, ये वाली रेखा कौन सी रेखा के? सी डी रेखा के मतलब जे वाली रेखा के कैसी है? समांतर है। दोनों रेखा कैसी है? समांतर है। तो सिद्ध करो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। कैसे सिद्ध करना है? ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे क्या? सी डी, ए डी आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। किस में? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एल एम और सी बी समांतर, ये दिया है आपको। क्या दिया है? किस त्रिभुज में एल एम और सी बी क्या है? समांतर है, है समांतर। और मैंने आपको पढ़ाया था 12th प्रमेय में कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं कैसी होती है? समांतर। ये दो रेखा कैसी होती है? समांतर। दो रेखा कैसी होती है? समांतर। तो जो अन्य दो जो रेखाएं होती है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन रेखाओं के अनुपात कैसे होते हैं? समान अनुपात में होते। कैसे होते हैं? अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, अगर दो रेखा कैसी है? समांतर है, तो अन्य दो रेखा मतलब ए बी और ए सी के अनुपात कैसे होंगे? समान अनुपात में होंगे। मतलब ए एम बटे एम बी, ए ए इसका अनुपात निकाल लो, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे ए एम बटे एम बी, ए एम बटे क्या आपका एम बी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक बात आपको गौर करना पड़ेगा, हमने एग्जाम्पल वन जब करे थे तो उसमें हमने एक चीज सिद्ध करे थे कि इसके इसका और इस भुजा का जो अनुपात रहेगा, पूरी भुजा का अनुपात, वो वाला अनुपात भी किसके बराबर होगा? ये वाली भुजा और ये पूरी भुजा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। एग्जाम्पल वन में हमने सिद्ध करे थे ठीक है। वो कुछ सवाल था हमारा, तो सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे हम 12th प्रमेय से। तो ए एम इसका अनुपात क्या जाएगा? ए एम बटे ए वी, पूरा पूरा लेना पड़ेगा ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? ए एम बटे ए वी, इसका अनुपात क्या जाएगा? ए एम बटे ए वी, क्या हो जाएगा अनुपात? ए एम बटे ए वी बराबर है। इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? ए एल बटे ए सी, क्या हो जाएगा? बटे में ए एल बटे ए सी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? समीकरण एक नाम दे दी समीकरण एक नाम। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक त्रिभुज और बना हुआ है, त्रिभुज ए सी डी। ये भी त्रिभुज एक प्रकार का है कि नहीं है? क्या त्रिभुज? ए सी डी त्रिभुज क्या है आपका? ए सी डी। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप? त्रिभुज ए सी डी में। किस में? त्रिभुज ए सी डी में। किस में? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या है? एल एन और सी डी कैसी है? समांतर है। एल एन और सी डी कैसी है? समांतर है। किस में? त्रिभुज ए सी डी में। एल एन और सी डी कैसी है? समांतर है। समांतर इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ए एन बटे ए एन बटे ए डी, क्या हो जाएगा? ए एन बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए एल बटे ए सी, क्या हो जाएगा? ए एल बटे ए सी। क्या नाम दे दिए इसको हमने? समीकरण दो नाम दे दिए। अब समीकरण एक में भी ए एल बटे ए सी है, समीकरण दो में भी क्या है? ए एल बटे ए सी है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे जाएंगे? मतलब ये दोनों बराबर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अतः समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा? ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए एन बटे ए डी, क्या हो जाएगा? ए एन बटे ए डी। और यही क्या करना है यहाँ पर आपको?
प्रूव्ड करना है। क्या करना है यहाँ पर आपको, ये प्रूव करके लेकर के आना है। बनेगा नहीं बनेगा?